बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशनल सोसाइटी के तहत MLT एवं पैरामेडिकल के तहत अन्य कई कोर्स को करने वाले छात्रों को पूर्णिया सेंटर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का ना तो क्लास करवाया जा रहा और ना ही कोई स्पष्ट जानकारी ही छात्रों को मुहैया कराई जा रही है, जिससे छात्रों के साथ साथ शिक्षकों में भी काफी निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। पूर्णिया और कटिहार के छात्रों ने इन समस्याओं को लेकर पूर्णिया सेंटर के सामने प्रदर्शन किया और जीविका के अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जीविका के पदाधिकारियों के पास ही है, इसके बावजूद जीविका के पदाधिकारी पूरी तरह से इस मामले को लेकर लापरवाह है और रोजगार देने के नाम पर संस्था के द्वारा छात्रों के साथ ठगी की जा रही है। सर, हम लोग के साथ यही प्रॉब्लम है सर कि हम लोग मोबाइल जिस वक्त गया था सर, हम लोग 6 महीने के बाद यहाँ लाया गया पूर्णिया। पूर्णिया से सर हम लोग DDU GKY में पूर्णिया से यहाँ 2 महीना क्लास करने के बाद हम लोग को जो है 10-15 दिन के बाद फिर यहाँ से छुट्टी दिया। छुट्टी देने का बोल रहा है कि आप लोग घर जाइए, आप लोग को बुलाया जाएगा। फिर हम लोग सर घर जाने के बाद हम लोग 1.5 महीना हो गया, अभी तक वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, ना कि ID टूट रहा है और ना ही कुछ हो रहा है सर। हम लोग के साथ ये सर बहुत ही अन्याय हो रहा है। ID के चलते हम लोग सर कुछ नहीं हो रहा है सर। कहीं किस चीज़ का कोर्स आप लोग यहाँ कर रहे हैं? हम लोग यहाँ सर MLT और रेडियोलॉजी कर रहे थे सर, दोनों का कोर्स कर रहे थे सर। इतना टाइम आपका वेस्ट हो गया है? 8 महीना। जिस समय आप लोग एडमिशन लिए थे तो उस समय क्या कहा गया था आप लोग? उन्होंने कहा गया था कि आप लोग यहाँ 11 महीना ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद 3 महीना OJT किया जाएगा, उसके बाद आप लोग को जॉब दिया जाएगा। प्लेसमेंट भी आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन ये बीच में ही ब्रेक कर दिया गया है। बीच में ही ब्रेक कर दिया है सर। फिर से क्लास खोले तो कब खोलेगा वो भी तो बताया। हम लोगों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ हुआ है सर। सेंटर ओपन होगा कि नहीं इसका भी हम लोगों का करियर बहुत बर्बाद हो रहा है। करियर खराब हो रहा है सर, खराब हो रहा है। प्रॉब्लम यही है कि कुछ जो भी हमारे हेड ऑफिस हैं वो कुछ बताने के इच्छुक नहीं है। अब बच्चे मेनली हम यहाँ के ट्रेनर हैं, बच्चों को हमने शिक्षा दिया है तो बच्चे जाहिर सी बात है हमसे सवाल करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं कि कब खुलेगा, कब कैसे होगा सर, कुछ पता नहीं चल पा रहा। हम बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं। हम जब फ़ोन कर रहे हैं आगे तो कोई मेरे फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, और अभी यहाँ से फ़ोन दूसरे नंबर से कोई बच्चा फ़ोन कर रहा है तो पिक हो रहा है। और उसके बाद से जब इस मैटर पे बात करें कि बच्चे आए हुए हैं सामान निकलवाने के लिए हॉस्टल से, और इतने दिन प्रॉब्लम में थे ये लोग बच्चे, इस साल बर्बाद हो गया उनका, तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? खोए हुए टाइम को तो आप दे नहीं सकते हैं, वो इतने प्रॉब्लम में है। ये सर्दी का मौसम है, हम जीविका ऑफिस में आए हैं तो जीविका वालों का अपना एक कहना है कि देखिए हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप पटना जाइए। हम पटना कैसे जाए भाई, किसी को ना जानते हैं ना पहचानते हैं, और इस सर्दी में इतने बच्चों के पास पैसे हैं नहीं, गरीब घर के बच्चे हैं, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे? तो क्या मान है ये रोजगार नहीं, जीविका वाले जो है उनको भी रिस्पॉन्स लेना चाहिए। वो हमारे सेंटर पे आते थे ये पता करने के लिए कि आपका RO का पानी मिलता है कि नहीं, खाना कैसा है। तो अभी इन सारे बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो बच्चे वाले जीविका वालों को सामने आना चाहिए। तो ये क्या लग रहा है कि रोजगार देने के नाम पर ऑल टाइप्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स यहाँ आपको मिलेगी। कपड़ों की आधुनिक डिजाइन्स और एक से बढ़कर एक आकर्षक रंग व क्वालिटी में कॉटन हाउस में आपको मिलेगा। विंटर वियर में जेंट्स के लिए स्वेटर, जैकेट्स, पुलोवर, विंड चीटर एंड ब्लेजर सूट। वहीं लेडीज के लिए स्वेटर, जैकेट्स, पुलोवर एंड ओवरकोट के साथ किड्स वियर भी उपलब्ध है। रूपाली कॉम्प्लेक्स, चित्रवानी रोड, लखन चौक, भट्टा बाजार, पूर्णिया। कॉटन हाउस आवासीय मरियम मिशन इंग्लिश स्कूल, ए फाउंडेशन फॉर फ्यूचर। क्लासेस प्ले टू 8 बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। एडमिशन इज गोइंग ऑन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर मुमताज प्रवीण से। रेसिडेंशियल मरियम मिशन इंग्लिश स्कूल, रुई गोला पुल, माधोपारा, पूर्णिया।